अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको कभी ना कभी ऐसा जरूर महसूस हुआ होगा, जो काम आप कर रहे हैं उसे पहले भी कर चुके हैं, या आपको किसी नई जगह पर जाकर ऐसा लगा होगा कि आप यहां पहले भी आ चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 90% लोग इस चीज का शिकार होते हैं। दरहकीकत इस कैफियत को डेजा वू कहते हैं। फ्रांसीसी जुबान में इस लफ्ज का मानी है पहले से देखा हुआ, और अंग्रेजी में ऑलरेडी सीन। अक्सर जो लोग डेजा वू का शिकार होते हैं वो ये समझते हैं कि शायद दुनिया में वो अकेले ऐसे हैं जो ये सब महसूस कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन हर इंसान डेजा वू के तजर्बे से गुजरता है। लेकिन इल्म की पूरी तारीख में आज तक इस मजर को समझने के लिए जिस कदर भी मफरूजे कायम किए गए हैं, उनमें से किसी एक पर भी सच्चे दिल से ईमान लाने को जी नहीं चाहता। दोस्तों, ये बिलाशुबा एक ऐसी यादाश्त की झलक का शायबा होता है जो ठीक से गौर करने का पूरा मौका कभी नहीं देती। ये तजर्बा इंसान पर खुद ब खुद तारी हो जाता है, यानी कोई भी इंसान डेजा वू को अपनी मर्जी से नहीं दोहरा सकता। कोई नहीं जानता किस वक्त, किस लम्हे, किस दिन, किस मुकाम और किस बात के लिए आपको डेजा वू का तजर्बा हो सकता है। आम लफ्जों में कहा जाए तो डेजा वू इस कायनात का एक निहायत अजीबोगरीब मज़हर और सरबस्ता राज है। ख्वातीनों हजरात, इस तजर्बे के दौरान सबको एक जैसा लगता है। यूं लगता है कि हाल में पेश आने वाला वाकया माजी में भी पेश आ चुका है, और डेजा वू बड़ों की निस्बत बच्चों को ज्यादा होता है, जो हमेशा निहायत मुख्तसर वक्त के लिए पेश आता है, यानी एक सेकंड से भी बहुत ज्यादा मुख्तसर वक्त के लिए। कभी इंसान को याद नहीं आता कि जो वाकया पेश आ रहा है ये माजी में कब पेश आया था। इस तजर्बे के दौरान और इसके कुछ देर बाद तक हर इंसान को निहायत अजीबो गरीब सी एक कैफियत महसूस होती रहती है, किसके साथ कुछ बहुत ही मुनफरिद और मुख्तलिफ पेश आया है। इसके अलावा डेजा वू के ज्यादा तजर्बात बाद में अक्सर भूल जाते हैं, और दोबारा जहन पर जोर देने से याद नहीं आते कि पेश आने वाला वाकया कौन सा था और किस नौयत का था। दोस्तों, आम हालात में हर इंसान डेजा वू के बारे में जाती तजर्बे की बिना पर जानता है और इस पर गुफ्तगू कर सकता है, लेकिन इसके इल्म में कुछ खास हिस्सा नहीं डाल पाता। डेजा वू के बारे में कदीम जमाने के गारों में रहने वाला इंसान जितना जानता होगा, हम 21वीं सदी के इंसान भी बस उतना ही जानते हैं। इसके मुतल्लिक बेशुमार तौजीहात हैं जो मुख्तलिफ मजाहिब, फिलासफर्स और मायरीन नफ्सियात ने पेश की हैं, लेकिन इनमें से कोई एक भी असूली तौर पर काबिले कबूल नहीं है। जब तक डेजा वू की गुत्थी सुलझ नहीं जाती, ये तमाम क्यास आराइयां महज क्यास आराइयां और मफरूजे ही रहेंगे। इनमें सबसे कदीम मफरूजा हिंदू मत का है। हिंदू मत के मुताबिक ये हमारी पिछली जिंदगी की कोई याददाश्त होती है। हिंदू मत में कई जन्म माने जाते हैं, और इंडियन फिलॉसफी के मुताले से पता चलता है कि हिंदू मत में कई जन्म और आवागोन का नजरिया दरअसल सिर्फ और सिर्फ डेजा वू की बुनियाद पर खड़ा है। यही एक लॉजिक है जो हमेशा से जन्म के चक्कर के नजरिए को खड़े रहने में मदद देती आई है। हिंदू मत के मुताबिक इंसान कई जिंदगियां गुजार चुका है, कभी जानवर बनकर दुनिया में आता रहा और कभी इंसान बनकर। सो हिंदू मत की तरफ से डेजा वू की यह तावील दी जाती है कि जब हम दोबारा जन्म लेते हैं तो हमारी कोई साबका यादाश्त नहीं होती, लेकिन जिंदगी में कभी कभार हमारे साथ ऐसे वाकयात पेश आते रहते हैं जिनसे हमें लगता है कि हम माजी में भी इस दुनिया में रह चुके हैं, जबकि ये अकीदा बिल्कुल गलत है। इसके मुताबिक दूसरा नजरिया ये है कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी रूह हमारे जिस्म से निकलकर कुछ काम करती है, और वो काम हमारे नींद सोए हुए दिमाग में महफूज हो जाता है। फिर जब हम हकीकत में वो काम करने लगते हैं तो हमें लगता है कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं। इस पर तीसरा नजरिया ये है कि हमारा दिमाग हर वक्त कुछ न कुछ सोचता रहता है, इसके अंदर कोई ना कोई बात गर्दिश करती रहती है, और हम ख्यालों में बहुत सारी तस्वीरों को बनाते हैं। इनमें से कुछ तस्वीरें हकीकत से मुशाबे होती हैं और हमें लगता है कि हम पहले भी देख चुके हैं। चौथा नजरिया ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो हम अपने माँ बाप पर जाते हैं। हमारी कुछ आदत, जिस्म के कुछ हिस्से, हमारा चेहरा किसी न किसी हद तक माँ बाप पर जाता है। इसी दौरान हमारे अंदर अपने माँ बाप की कुछ यादें भी आ जाती हैं। तो जब हमारे साथ हकीकत में कुछ ऐसा होता है जो हमारे माँ बाप के साथ हो चुका, तो हमें वो इस तरह लगता है कि हम पहले भी कर चुके हैं। डेजा वू का पांचवा बड़ा नजरिया ये है कि इंसान के दिमाग के अंदर एक शरियान होती है जिसके दबने से हमारे दिमाग को ऐसा लगता है कि ये काम पहले भी कर चुके हैं, इस जगह पर हम पहले भी आ चुके हैं। जब भी हमारे दिमाग की वो शरियान दब जाती है या खिंच जाती है तो हमें ऐसा ही महसूस होता है। दोस्तों, बाबाए नफ्सियात फ्राइड के नजदीक डेजा वू कई वजूहात से पेश आता है, जिनमें सबसे काबिले जिक्र वजह यह है कि आपने कभी कोई ख्वाब देखा होता है जिसकी जुजियात आपके लाशऊर में महफूज है, लेकिन आपको कभी भी याद नहीं था कि आपने ऐसा कोई ख्वाब देखा था। उस ख्वाब के बाद अज्जा जब हकीकी जिंदगी में अचानक
किसी शय या वाके या कैफियत से मिलते जुलते महसूस होते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है जैसे हमने ये पहले भी देखा हुआ है। अलबत्ता साइंस देजावू की देवमालाइयत को तस्लीम नहीं करती। नाज़रीन ग्रामी, शऊर का मुतालिया करने वाली साइंसेस के मुताबिक देजावू के बारे में अब तक जो आरा कायम की गई है उन्हें समझने से पहले हमें ये बात समझना होगी कि हमारे जिस्म में रतूबतों का एक निजाम है जिसको दरपेश मुख्तलिफ मसाइल के लिए जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा मुतअद्दिद किस्म की रतूबतें खारिज करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में मौजूद शुगर को हजम करने के लिए इंसुलिन नामी एक रतूबत है जो कुदरती निजाम के तहत काम करती है, और जब जब हमारे जिस्म में शुगर बढ़ने लगती है इंसुलिन खुदकार तरीके से मैदान में उतरती है और उसे कंट्रोल करती है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा ये कुदरती और खुदकार निजाम किसी वजह से खराब हो जाता है। ये खराबी कई तरह की हो सकती है। एक ये भी हो सकती है कि हमारे जिस्म को जरूरत ना भी हो तब भी कोई ऐसी रतूबत हादसाती तौर पर पैदा होने और हमारे खून में शामिल होने लग जाए। आम जिंदगी में अमूमन ऐसा होता रहता है। दिमाग भी जिस्म का एक हिस्सा है। जब हम किसी पुराने शरासार से मिलते हैं तो थोड़ी देर के लिए चौंकते हैं, उसे पहचानने की एक दो लम्हे की कोशिश करते हैं और फिर अचानक ही हमें याद आ जाता है कि वो कौन है। इस तरह अचानक याद आ जाने का अमल दिमाग की एक आदत है। इसके अलावा भी बहुत सी थ्योरीज हैं। हर किसी ने अपने तौर पर देजावू के बारे में अपनी राय दी है और जैसा उन्हें लगा उन्होंने कह डाला, लेकिन इनमें से हर एक थ्योरी पूरी तरह से मशकूक है। हर एक पर कई कई एतराजात उठाए जा सकते हैं। किसी बात के शवाहिद मौजूद नहीं है। देजावू का तजर्बा आज भी एक राज है। यह भी कहा जाता है कि हम जब भी किसी वाके से दोचार होने लगते हैं तो कभी कभार यूं होता है कि उस वाके का एक आध अगला लम्हा हम पहले देख लेते हैं, और फिर साथ ही जब हम इस वाके में दाखिल होते हैं तो हमें महसूस होता है कि यह वाकया हमारे साथ पहले भी पेश आ चुका है। नजरिया इजाफियत की दरियाफ से पहले आइंस्टाइन के जहन में जो सवाल सर उठाया करते थे उनमें एक ये भी था कि अगर रोशनी की रफ्तार किसी हरकत करते हुए ऑब्जेक्ट की रफ्तार में जमा की जा सकती होती तो वाकयात अपने जहूर पजीर होने से पहले हमें नजर आ जाते। कार्ल सागान ने आइंस्टाइन के इस सवाल का जिक्र करते वक्त उसकी एक मिसाल भी लिखी है। अगर एक गधा गाड़ी एक तरफ से आ रही हो और एक साइकिल सवार दूसरी तरफ से और वो दोनों चौक के दरमियान पहुंचकर आपस में टकरा जाए तो क्या हमारे लिए वो हादसा चंद लम्हे पहले पेश आएगा और साइकिल सवार और गधा गाड़ी वाले के लिए चंद लम्हे बाद में पेश आएगा? क्योंकि हम तक रोशनी की जो शुआ इस वाके के होने की खबर ला रही है उस शुआ की रफ्तार में गधा गाड़ी और साइकिल की रफ्तार भी जमा की जाए तो हादसा होने की खबर हमें हादसा होने से पहले मिल जानी चाहिए। यह तो आइंस्टाइन का एक बचगाना सवाल था जिसका जवाब बाद में उसे मिल गया कि दरअसल रोशनी की रफ्तार को किसी और शय की रफ्तार में जमा ही नहीं किया जा सकता। रोशनी की रफ्तार से वक्ती तौर पर तेज फर्ज कर लिया जाए तब भी तो ऐसा ही होगा कि वाकयात अपने होने से पहले नजर आने लगेंगे। हम चूंकि जानते हैं कि ऐसा नहीं होता चुनाचे ये ख्याल मुकम्मल तौर पर गलत है। नफ्सियात के कुछ माहिरीन का कहना है कि ये कोई पुरानी यादाश्त नहीं होती और ना ही पिछले जन्म की कोई बाजगश्त, बल्कि ये वो वाकया अपने पेश आने से सिर्फ एक लम्हा पहले अपने नजदीकी इम्कान की एक झलक दिखाता है तो अगले लम्हे उस वाके में दाखिल होते ही हमें यूं लगता है कि ये तो हमारी यादाश्त में पहले से ही मौजूद है। मेरी समझ के मुताबिक देजावू कुदरत का वो सरबस्ता राज है जिस राज की हकीकत तक पहुंचने में अभी मजीद वक्त दरकार है, और जिस दिन इस राज से पर्दा हटा कायनात एक नए रंग में हमारे सामने होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिर्दोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।